नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का धर्म ज्ञान गंगा चैनल में फिर से स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कुंभकर्ण की खोपड़ी में कैसे समा गए पांचों पांडव, क्यों गए थे पांडव लंका, और कैसे पांचों पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने लगे, किसने बचाया पांडवों को डूबने से, क्या था आखिर खोपड़ी का रहस्य। आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कथा द्वापर युग के अंतिम चरण की है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, जिसके चलते कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना एकत्रित करने में लगे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्ष को सेनाओं की आवश्यकता थी, इसलिए दोनों पक्ष अपने सगे संबंधियों या जानकारों को युद्ध के लिए आमंत्रण भेज रहे थे। एक दिन पांडव अपनी माता कुंती के पास गए, जहां उन्होंने चिंतित होते हुए कहा कि माता, यह युद्ध हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि कौरवों के पास सेना की तादाद ज्यादा है। तभी माता कुंती पांडवों को सेना के लिए दक्षिण दिशा में जाने की बात कहती है, जहां पर मौजूद थी लंका। तभी पांचों पांडव माता कुंती से आज्ञा लेकर लंका के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए। लंका तक जाने का इकलौता मार्ग था राम सेतु, जो कि उस समय टूटा हुआ था, इसलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र के लोग राम सेतु की मरम्मत किया करते थे। उसी सेतु के माध्यम से पांडव लंका पहुंचे। तब उन्होंने वहां पहुंचकर माता मंदोदरी से भेंट की। माता मंदोदरी से मिलते ही पांडवों ने माता मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा कि आर्यवर्त में अधर्म फैल चुका है, जिसके चलते हमें अपने सगे संबंधियों के साथ एक विशाल युद्ध में कूदना पड़ रहा है, जो धर्म और अधर्म की डोर को समेटे हुआ है। हम अपनी माता कुंती के आदेश से ही यहाँ आए हैं और आपसे चाहते हैं कि आप अपनी विशाल सेना से महाभारत के युद्ध में हमारा समर्थन करें। तब मंदोदरी ने कहा कि लंका के राजा रावण पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। स्वर्ग और इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ भी पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुका है। वहीं मेरे देवर विभीषण पहले ही खुद को भगवान को समर्पित कर चुके हैं, इसलिए हम आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लंका के कुछ सैनिक जरूर आपको दे सकते हैं। लंका की सेना का साथ सुनकर युधिष्ठिर को खुशी हुई। वहीं रात होने की वजह से पांडवों ने लंका में ही निवास किया। पांचों पांडव स्नान के लिए खोजने लगे। सरोवर सुबह मंदोदरी ने पांचों पांडवों को स्नान के लिए भेजा। पांचों पांडव स्नान के लिए सरोवर की तलाश में निकल पड़े। तभी उन्हें एक सरोवर दिखा, लेकिन आपको बता दें कि वो सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। जैसे ही पांचों पांडव स्नान के लिए खोपड़ी में उतरे तो पांचों उस सरोवर में डूबने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां मौजूद एक गवाले ने पांडवों को खोपड़ी में डूबते देखा और यह बात जाकर माता मंदोदरी को बताई। मंदोदरी पांडवों की मदद के लिए सरोवर पहुंची। मंदोदरी ने खोपड़ी को उल्टाकर बचाई पांडवों की जान। उन्होंने खोपड़ी को उलट्टा किया और पांडवों को डूबने से बचाया। पांडवों ने माता मंदोदरी से पूछा कि आपने सरोवर को कैसे उल्टाया। तभी माता मंदोदरी बताती है कि सरोवर नहीं बल्कि मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। ये सब सुनते ही पांचों पांडव एक पल के लिए हैरान रह गए। इसी के साथ माता मंदोदरी ने पांडवों को रावण की कथा भी सुनाई कि कैसे वो अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। मंदोदरी ने पांडवों को कहा कि अगर तुम धर्म के साथ हो तो निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी। तुम्हारी सेना बड़ी हो या छोटी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह पांचों पांडवों को माता मंदोदरी से एक सीख मिली। तभी पांडव माता मंदोदरी से आज्ञा लेने के बाद लंका से वापस चले आते हैं और महाभारत युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। महाभारत युद्ध में करीब 125,000 योद्धा सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनमें करीब 70,00,000 कौरव पक्ष से तो 40,00,000 लोग पांडव सेना से मारे गए थे। महाभारत युद्ध को लेकर कहा जाता है कि यहाँ इतना खून बहा कि अब तक वहां की मिट्टी लाल है। महाभारत युद्ध के अंत में पांडवों की ओर से पांचों भाइयों समेत 14 लोग जीवित बचे। इस प्रकार मंदोदरी के कही हुई बात सत्य होती है और अधर्म में धर्म की जीत होती है। मित्रों, आज का विषय समाप्त होता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अंत में मुझे कमेंट करें, जय श्री राम जरूर लिखो।